चार तोला बाजी तोला बाजी कट मनी कट मनी सिंडिकेट सिंडिकेट बेरोजगारी बेरोजगारी हिंसा हिंसा आतंक आतंक तुष्टिकरण तुष्टिकरण अन्याय अन्याय। इन नारों को लगवाकर आप अपने समर्थकों में जोश और ऊर्जा का संचार तो कर सकते हैं, लेकिन आम जनता यह नहीं समझ पा रही है कि यह नारे आप किसके खिलाफ लगवा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बंगाल आज अपने सबसे बुरे दौर में है, लेकिन इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र में बैठी आपकी सरकार भी है। नारे लगाने और लगवाने से पहले आपको अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर भी ध्यान देना चाहिए था। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, भेदभाव बढ़ा है। बंगाल भी उससे अछूता नहीं है। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगवाए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत फिसलकर 86वें स्थान पर पहुंच गया है। लॉकडाउन के दौरान जहां देश में लोगों की आय में 55% की कमी है, वहीं अरबपतियों की संपत्ति में 35% तक का उछाल आया। आपने बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगवाए, लेकिन अनियोजित लॉकडाउन से आपकी सरकार ने एक झटके में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां छीन ली। आज रोजगार मांगने पर युवाओं को जिल्लत और डंडे के सिवा कुछ नहीं मिलता। आपने काले धन के खिलाफ नारे लगवाए, लेकिन असल में नोटबंदी, जीएसटी और अनियोजित लॉकडाउन के बाद देश में काला धन बढ़ा है। देश की जीडीपी ऐतिहासिक रूप से कम होकर -23.9% तक पहुंच गई। नरेंद्र मोदी जी, नारे लगाने और हाय हाय करने से आप बंगाल की जनता का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। बंगाल का असल विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है।